उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने नए नए आदेशों के साथ चर्चाओं में बने रहते हैं। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि में योगी सरकार ने आदेश दिए हैं रामायण और दुर्गा सप्तमी का पाठ कराने के लिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को 1,00,000 रुपये के अनुदान भी दिए हैं और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर हो रहे हैं और साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा का भी विषय बन गया है। तो आइए जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर आखिर जो आम जनता है वो क्या सोचती है। सर आपका नाम? हमारा नाम आशीष शर्मा है। सर अभी दुर्गा सप्तमी जो चैत्र नवरात्रि में योगी सरकार ने कहा है कि दुर्गा सप्तमी और रामायण की पाठ कराया जाए, वहीं विपक्ष का कहना ये है कि जो लोग अब बंद कर दिए हैं रामचरितमानस का पाठ करना क्योंकि उसमें दलित और छोटे जाति का अपमान किया जा रहा है और इसलिए सरकार फिर से वो कराना चाहती है। क्या सोच रहे हैं इस सारे मुद्दे पर? हमारा कहना ये है कि सरकार अगर ये कह रही है तो बहुत ऊँची बात कह रही है और रामचरितमानस तो बहुत ऊंची चीज़ है। रामचरितमानस के एक चौपाई पर अगर व्यक्ति जो है अपने जीवन का निर्वाह करे तो उसका बेड़ा पार हो सकता है। रामचरितमानस तो ही अगर ये सरकार ऐसा कर रही तो बहुत उत्तम कार्य कर रही है। धर्म का प्रचार होगा और अच्छे लोगों का अच्छा विकास होगा, अच्छी मानसिकता आएगी, अच्छी सोच पैदा होगी। लेकिन सर विपक्ष इस पे पूरी तरह से हमलावर हो रहा है और उन पे ये भी आरोप लगा रहा है कि अब कोई नहीं कर रहा है पाठ, इसीलिए वो अपना पैसा लगा के और पाठ करवाना चाहते हैं और उसे एक बिजनेस के तौर पे देखते हैं। ऐसा नहीं है, लोग आज भी जो है धर्म कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं और सरकार अगर ऐसा करा रही है तो ये और आम तौर में प्रचार होगा, प्रसार होगा इसका और एक अच्छा काम करा रही है। जो भी विपक्ष का काम है किसी का बुराई करना या अच्छाई करना, बुराई करना हमेशा विपक्ष तो विपक्षी गलत ही बात भाई, विपक्ष एक दूसरे को तो नीचे गिराने का ही तो काम करेगी। तो योगी सरकार की इस आदेश को आप स्वागत करते हैं? बिल्कुल, तहे दिल से स्वागत करते हैं और सरकार को बहुत प्यार करते हैं। तो सर क्या आपको लगता है कि योगी सरकार जो है भाजपा सरकार क्या एक विशेष धर्म को बढ़ावा करने के लिए सिर्फ ही पाठ करवा रही है? नहीं, धर्म का को बढ़ावा करने के लिए जो लोग वही अपने अंदर घर में कर रहे हैं या और कर रहे हैं अपने इस रामचरितमानस को उसको एक बाहर विस्तृत रूप में कराने का प्रयास कर रही है सरकार, तो बहुत अच्छी सोच है। और हम तो जानते हैं कि धर्म का जो है जितना विकास हो वो ठीक है और अच्छा है। तो आपने देखा यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि हम योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं और कहीं ना कहीं रामचरितमानस हमारे जो छवि को सुधारती है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। तो आइए और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं। कल इस पे क्या कहना चाहेंगे सर, जो कि अभी योगी सरकार ने आदेश दिया है कि चैत्र नवरात्रि में रामचरितमानस, दुर्गा सप्तमी और रामायण के पाठ कराया जाए, इस पे वही विपक्ष दूसरी तरफ कह रही है कि वो धर्म को अपने एक बिजनेस के तौर पर देखती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि धर्म आज जो विपक्ष मुद्दा उठा रही है कि धर्म अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसके भी विपरीत विपक्ष ने अपने व्याख्या प्रस्तुत किए जो है, तो हम कह रहे हैं कुछ न हिंदू धर्म, ये देश हिंदुस्तान जी। देश तो हिंदुस्तान है जी। तो हिंदुस्तान अगर ये देश है तो हिंदू की धर्म सारे हिंदुओं का आस्था है अपने धर्मों में। धर्म पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ठीक है। पक्ष अगर कर रहा है धर्म के लिए कर रहा है तो ये सनातन धर्म प्राचीन काल से चला आ रहा है और कभी न कभी संसार तो परिवर्तन का नियम है, परिवर्तन तो होंगे, धर्म के अच्छे काम होने चाहिए, लेकिन न पक्ष को भी इसको राजनीतिक दशा देनी चाहिए और न विपक्ष को भी। तो सर आपको बता दें कि सपा के मुखिया जो अखिलेश यादव, उन्होंने भी ट्वीट करके भाजपा सरकार पे हमला बोला, तो आखिर क्या जो अखिलेश यादव वो जो हिंदू धर्म नहीं है उनको ये धर्म नहीं अपनाना चाहिए, तो इस पे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है सर, विपक्ष पार्टी इसको मुद्दा क्यों बना रही है? देखिए, अखिलेश जी पूर्व CM रहे हैं उत्तर प्रदेश के और जिसके बहकावे पे वो चल रहे हैं, जो उनका नेता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो धर्म के विरुद्ध पॉलिटिक्स करे, धर्म को साध कर अपनी पॉलिटिक्स सूची करे, उसका मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। मुख्यमंत्री पूर्व अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति के वक्तव्य से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सारी पार्टियों में मंत्री बन के घूमा और अच्छे पद पर आसीन होकर पूरी तरह से इंजॉय किया, सत्ता का पूरा मलाई कह सकते हैं आप, सत्ता का पूरा उपयोग किया वो, ठीक है। आज वहाँ आया तो कोई मुद्दा नहीं मिला रामचरितमानस, अरे धर्म के प्रति क्यों उस्काते हो, सभी धर्म एक समान है, जैसा कि कहा गया है हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, तो भाईचारे को अपनाइए। धर्म तो अपने आप सभी धर्मों को सब मानते हैं। तो सर क्या लगता है भाजपा सर धर्म में राजनीति करती है अपनी? देखिए मैंने कहा कि धर्म को, मैंने पहले ही आपसे कहा कि धर्म को राजनीति से न पक्ष जोड़े न विपक्ष जोड़े, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण न दिया जाए। राजनीतिक दृष्टिकोण आप मत दीजिए, धर्म है अच्छा है, इंजॉय करिए, पूजा पाठ हो, पूरा माहौल सनातन धर्म तो पूरा जो है कई सालों से, कई 200 सालों से, मतलब साल को कह ही नहीं सकते सनातन धर्म को। तो हर व्यक्ति चाहे हिंदू हो जो भी है अपने धर्म पे आस्था रखे, मुस्लिम हो अपने धर्म पे आस्था रखे, धर्म के लिए पक्ष या विपक्ष राजनीतिक दृष्टिकोण न अपनाए, ये अनुचित है, पूर्णतया अनुचित है। शुक्रिया सर। सर अभी पाठ कराने के लिए रामायण और सब जो है दुर्गा सप्तमी का पाठ करने के आदेश दिए हैं, वही विपक्ष इसका मुद्दा बना रहे हैं, क्या इस पर सोच रहे हैं? देखिए दो चीज़ें, सरकार है सबकी आस्था होती है, ठीक, कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कुछ क्रिश्चियन ईसा मसीह मानते हैं, तो अगर सरकार है तो सरकार सबके लिए होती है, किसी एक के लिए नहीं होती है। पूजा और आस्था में किसी को बोलने का हक नहीं होता है, वो सबका, हमारी आस्था होती है हम पूजा करते हैं, किसी की होती है कोई नहीं करता है, तो बोलने का सरकार को सबके लिए बराबर करना चाहिए। मेरा सर इसको माने इस आदेश का जो कि केशव प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, तो क्या इसको माने कि उनके पास कोई और मुद्दा नहीं, इसलिए विपक्ष को इस मुद्दे को लेकर घेर रहे हैं? विपक्ष को कौन घेर रहा? विपक्ष जो है वो भाजपा सरकार को घेर रही है इस मुद्दे को लेके कि अब जो योगी सरकार ने आदेश दिए वो धर्म को एक अपने जो है मुद्दा बना के और इसको एक बिजनेस के तौर पे देखती है और जो पिछड़े जाति को नहीं आदर देती है जबकि एक विशेष धर्म को बढ़ावा दे रही है, ये सब मुद्दा लेके घेर रही है। मैं आपको बता दूं, मैं हिंदू हूं, रक्षा पहना हुई हूं, तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि नहीं, आप समझ सकते हैं जी। जी ठीक। रही बात सरकार को, तो कार्य करना चाहिए कि लोग बेरोजगार कैसे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, लोगों के पास संसाधन कैसे बढ़े जिससे वो अपनी दिनचर्या को, जीवन को अच्छे से जी ले, इस पे न कि अगर पूजा पाठ, हम भी पूजा करते हैं, हम सुबह भी करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, नवरात्रि में 9 दिन लोग व्रत रहते हैं, लेकिन सरकार अच्छी चीज़ें, उसी तरह और भी धर्म है ना, आपको उस धर्म के प्रति भी, क्या नमाज में जब ये ईद होगा तो ईद में मस्जिदों में व्यवस्था करेंगे वो? सरकार किसी जाति और किसी धर्म और तो की नहीं हो। क्या लग रहा है योगी सरकार सिर्फ एक धर्म के बढ़ावा दे रहे हैं ये पाठ करवा के? धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, आपस में मतभेद पैदा कर रहे हैं, फूट पैदा कर रहे हैं, सामाजिक सौहार्द है, एक सामाजिक सौहार्द है, हिंदुस्तान सबको एक साथ मिलकर रहने का देश है, तो उसमें खाई पैदा की जा रही है, क्योंकि देखिए फूट नहीं डालोगे, जिस तरह अंग्रेजों ने किया फूट डालो राज करो, उसी तरह ये सरकार भी कर रही है कि बांटो, किसी को हिंदू बनाओ, किसी को जाति के नाम पे, किसी को दलित के नाम पे, इस तरह बांटो, बांटोगे और बांट के राज करो। आपको इस सरकार को सबसे बड़ी सरकारी जिम्मेवारी होती है कि लोगों के, किसान से लेकर नौजवान जो भी हो, उनको तरक्की खुशहाली कैसे, इस पे विचार करना चाहिए, ना कि धर्म और रामायण और ये तो आस्था ही है, कौन नहीं पूजा करता है। तो मतलब आपको सर ये लग रहा है कि योगी सरकार का ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म में बंटवारा कर सकती है? फिर आपने प्रश्न गलत किया, धर्म में कैसे योगी सरकार बंटवारा कर देगी? तो सर आपका यही कहना है ना कि सरकार को और चीजों को, देखिए धर्म, हम ये नहीं कह रहे हैं कि धर्म सबके लिए है, ये आपसी लोगों में बांट रहे हैं धर्म के नाम पे। अगर आप एक, जैसे मान लीजिए नवरात्रि में आपने आदेश किया, तो आप सरकार हो, सरकार के लिए सत्ता, सरकार के लिए प्रदेश की सारी जनता उसके लिए एक नज़र से बराबर होती है राजा के, तो आपको और धर्मों के भी जो लोग हैं उनके भी जो फंक्शन पड़ते हैं उसमें व्यवस्था करनी चाहिए, इतना सिंपल सी बात है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कुछ लोगों का ये कहना है कि योगी सरकार के जो फैसला है सही है, वही दूसरे तरफ लोग का ये भी कहना है कि योगी सरकार को इस धर्म के मामले को छोड़ के ये बेरोजगारी, महंगाई, उस पर बात करना चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों को ये जो फैसला है गलत लग रहा है, और कुछ लोग का ये भी कहना है कि ये जो धर्म सिर्फ एक विशेष धर्म के बढ़ावा नहीं है और ये जो है हमारे एक धर्म को एक आगे ले जाने के लिए, जो लोग जो नए जो जनरेशन के लोग हैं वो रामचरितमानस को नहीं समझ पा रहे उन्हीं लोगों के लिए पाठ करवाया जा रहा है। तो आइए और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे, जब अभी आदेश आया है योगी सरकार का कि रामचरितमानस का पाठ कराया जाए चैत्र नवरात्रि में, क्या कुछ सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सर योगी सरकार का आदेश आया है कि चैत्र नवरात्रि में रामायण और दुर्गा सप्तमी का पाठ कराया जाए, तो क्या सर इस पे विशेष एक धर्म का बढ़ावा देने का ये संदेश है योगी सरकार की? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, होना चाहिए, होना चाहिए और ये अच्छी बात है, धार्मिक अनुष्ठान सबके होने चाहिए, ये भी होना चाहिए, कोई बहुत बुरी बात नहीं। सर विपक्ष कहना है कि जो योगी सरकार वो धर्म को एक बिजनेस के तौर पे देखती है। विपक्ष कुछ भी कह सकता है वैसे, लेकिन उससे मतलब नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान होता है तो होने देना चाहिए उसको, क्या बुरा बात है। मैम
मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी, अभी बोल रही थी आप वोट बैंक, क्या कहना चाहेंगी इस, मतलब योगी सरकार ये सिर्फ जो पाठ करवाई वोट बैंक के लिए करा रही है? नहीं, वो सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक तरफ से एक देखिए हर सेक्शन अलग अलग मांगता है। किसी का बिलीव है कि वो वोट बैंक है और किसी का बिलीव है कि वो हमारे रिलीजन हमारे सिविलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारी नई जनरेशन को भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये करेक्ट, क्या आपको लग रहा है कि जो इनका फैसला वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है? सही साबित तो ये तो वक्त बताएगा ना। मतलब ये लग रहा है आपको कि ये जो चैत्र नवरात्रि में पाठ किया जा रहा है सब होना चाहिए जी। किसी को अगर ये सी चीज़ें बता रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। तो आपने देखा यहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो फैसला है सही है, और कहीं ना कहीं ये जो नए जनरेशन के लोग हैं उनको पता चलेगा कि जो दुर्गा सप्तमी का पाठ है और रामायण है उसमें क्या है, और इसीलिए योगी सरकार ये कदम उठाए हैं। तो और भी यहाँ पे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनको इस मुद्दे पे लेके इस फैसले को लेके क्या सोच है और अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सर, अभी योगी सरकार ने फैसला दिया है कि चैत्र नवरात्रि में रामायण और दुर्गा सप्तमी का पाठ कराया जाए, इसको लेकर क्या सोचा है, उनका फैसला किस हद तक सही है? अच्छा है मैडम। तो सर अच्छा है तो मतलब किस तरह से, क्या इनका फैसला जो सही है? कुछ लोगों का कहना, विपक्ष का कहना है कि ये एक जो है अपना एक बिजनेस के तौर पर देखती है धर्म को, एक विशेष धर्म का बढ़ावा दे रही है, वही पिछड़े और जाति को ये नीचे कर रही है। मैडम देखिए, हर आदमी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है जी। वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, आप अपने धर्म का करेंगे, हम अपने धर्म का करेंगे। लेकिन सर विपक्ष इस पर साफ तौर पर कह रही है कि ये सिर्फ एक हिंदू धर्म की बढ़ावा कर रही है और पिछड़े जाति को ये नगारा कर रही है, उसका अपमान कर रही है। तो सर योगी सरकार का यही मंशा? ऐसी कोई मंशा नहीं उनकी, और देखिए ये जो हैं और संभव करते हैं और ऐसा कुछ नहीं है, और इन्होंने जो भी निर्णय लिया बिल्कुल सही निर्णय लिया है, और जो निर्णय लेंगे हमेशा सही लेंगे निर्णय। अच्छा, आपका निर्णय सही है जी। आइए, और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि उनको इस मुद्दे को लेकर, इस फैसले को लेकर क्या सोच है। सर, कुछ योगी सरकार ने अभी फैसला लिया है कि चैत्र नवरात्रि में रामायण और दुर्गा सप्तमी का पाठ कराया जाए, किस हद तक सर ये सही है? क्या ये एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए सर ये एक उनका कदम है? नहीं, भारत हिंदू संस्कृति का देश है और सनातन सभ्यता को लेकर के चलने वाला देश है, और ये निश्चित रूप से पूरे दुनिया को रास्ता दिखाने का काम हमारा भारत करता है। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है, इस पर लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये हमारी आस्था का विषय है, आदरणीय योगी जी की आस्था का विषय है, आदरणीय पूरे प्रदेश की 24 करोड़ जनता के आस्था का विषय है। जो लोग भी इसको सर स्वीकार कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो सर विपक्ष क्यों इसको मुद्दा बना रही है? सर हमेशा रामचरितमानस के लेके एक चौपाई के लेकर सर आप भी सुनेंगे क्या क्या इस पर मुद्दा बना, पूरी तरह से घेरा जा रहा है कि उसमें पिछड़े जाति को जो भाजपा सरकार है वो नीचे दिखा रही है और इसलिए इस पाठ को कराया जा रहा है। तो आपका क्या मानना है? नहीं, विपक्ष को तो राजनीति करनी है, विपक्ष के पास सिर्फ एक मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस पर, यदि रामचरितमानस इस देश के 125 करोड़ लोगों की आस्था का विषय, दुनिया में फैले हुए सभी हिंदुओं की आस्था का विषय है, उसके बाद भी यदि अखिलेश यादव जी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उन्होंने एक भी बार इस बात का खंडन नहीं किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर गलत बयानबाजी की, उन्होंने एक भी बार बात नहीं की कि हमको किसी भी विषय पर हिंदू समाज की भावनाओं को आहत, इन्होंने ठेका ले रखा है हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का, ये सिर्फ एक वर्ग विशेष के तुष्टिकरण में लगे रहेंगे। निश्चित रूप से विपक्ष को इस मामले पर रामचरितमानस के विषय पर माफ़ी मांगनी चाहिए, आदरणीय योगी जी का निर्णय स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश में यदि नवरात्रि पर पाठ हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है भाई, ये हमारी आस्था है हम करेंगे, और हिंदुओं की आस्था का विषय है कि हमारी आस्था आस्था है, दूसरों की आस्था आस्था नहीं। लोगों के विषय पर अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए, और इस विषय पर वो राजनीति कर रहे हैं तो आने वाले समय में 2022 भी उन्होंने देखा है, 17 भी देखा है, 27 और 24 भी देखेंगे, जनता उनको जवाब देगी। सर क्या लगता है कि जो भाजपा है वो धर्म को एक बिजनेस के तौर पर देखती है सर, इसलिए ये पाठ करवा रही है? नहीं, धर्म बिजनेस हो ही नहीं सकता। धर्म तो हमारी सनातन सभ्यता है, जब इस दुनिया में कोई धर्म नहीं होता था तब सनातन धर्म होता था, सनातन धर्म हो सकता है, आप भी सनातन से हो, मैं भी सनातन से हूँ, सभी लोग सनातन धर्म से हैं, तो धर्म कभी आस्था राजनीति का केंद्र नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने वर्ग विशेष के तुष्टिकरण के लिए, एक धर्म विशेष के तुष्टिकरण के लिए जो समाजवादी पार्टी के सरकार में इन लोगों ने किया था, उसका ही 2017 के चुनाव में और 22 के चुनाव में जनता ने निर्णय दिया, इनको पूरी तरह धूल चटाई, और अब इनके पास विकास के विषय पर बात करने का कोई विषय नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। और तभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया, उस बयान पर एक भी बार अखिलेश यादव जी ने उस पर ना उनको माफ़ी दिया, बल्कि उनका तो उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, उनका मनोनयन किया गया। तो अखिलेश जी की नीति इससे पता चलती है कि हिंदू समाज के विषय में वो क्या सोचते हैं।
तो आपने देखा यहाँ पे जो तमाम जो युवा हैं, तमाम जो यहाँ पे लोग हैं, उनका यही कहना है कि योगी सरकार का ये फैसला हद तक सही है और ये हमारे एक सनातन धर्म का बढ़ावा होगा और हिंदू धर्म के जो जो नए जनरेशन के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इससे सीख मिलेगी। और वही दूसरी तरफ जो विपक्ष इस पर हमलावर बोल रही है, वो क्यों इस पर हमलावर, क्यों राजनीतिक मुद्दा बना रही है इस पर, कभी जो केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर बयान दिया है उस पर अखिलेश यादव को बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो क्या हिंदू धर्म के नहीं है, क्या उनको ये विशेष धर्म की पूजा नहीं करने, तो ऐसे तमाम जो लोग हैं प्रतिक्रियाएँ दे रही हैं अपने। और आइए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? अभी योगी सरकार ने हाल में ही बयान दिया है, अपना फैसला दिया है कि चैत्र नवरात्रि में रामायण और सप्तमी का पाठ कराया जाए, क्या इसके आप सोच रहे हैं? ये सब फर्जी है, इसमें कोई बहुत बड़ा वो थोड़ी ना है। काम कराएं, नौकरी दें, लोग बेरोजगार हैं जी। ये मतलब सारी व्यवस्था करें, फैसले को गलत मान रहे हैं कि उसको जी। तो बिल्कुल गलत है, वो सरकार है, सरकार सबकी है, वो राजनीति कर रहे हैं, तो रमजान आ रहा है उसमें भी कहीं नवाज वमाज की व्यवस्था भी कराएं। सरकार है सब, उनको अपना मेन सुरक्षा व्यवस्था जो चीजें है उस पर फोकस करें। ये सब तो आपको क्या लग रहा है कि योगी सरकार सिर्फ एक हिंदू धर्म के बढ़ावा के लिए ये सब कर रहे हैं? और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको अपना काम करना चाहिए, ढंग से काम करें, नौकरी चाकरी दें, नौकरी कहीं है नहीं, बेरोजगारी का आलम ये है। उनके साथ कर्म भी हो रहा है ऐसा है? आप तो बता रहे हैं नहीं होना चाहिए, पुरानी सरकारों में इफ्तारी कराई जाती थी तब वो अच्छा होता था। अगर जो आज की सरकार में, भाजपा की सरकार में, यदि हिंदुओं के लिए केवल कह दिया गया कि हाँ नवरात्रि में हम पाठ कराएंगे, तो उसमें आप जैसे लोगों को दिक्कत हो रही है। अरे हम धर्म भी करेंगे, हम कर्म भी करेंगे। लोग कहते थे कि अयोध्या जी में मंदिर के स्थान पर अस्पताल बनना चाहिए, अभी आप जा करके देखिए 21 करोड़ की लागत से वहाँ इतना बड़ा अस्पताल बन रहा है, मंदिर भी बन रहा है, अस्पताल भी बन रहा है। आप लोग इस प्रकार की बातें मत करिए। अगर जो आप निश्चित रूप से, ये धर्म का हमारी आस्था है और आस्था से जुड़े हुए हम लोग हैं, केवल आस्था को आप बैठ करके बताएंगे कि ये नहीं, ये होना चाहिए। इफ्तारी होती थी तब कोई नहीं चिल्लाता था, तब हर बंगले में, हर आवास पे इफ्तारी होती थी, मुख्यमंत्री आवास में इफ्तारी होती थी, तब कोई नहीं बोलता था। कि धर्म के साथ कर्म भी योगी सरकार करे, क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है, कल्याण कर रही है, ऐसा है, व्यक्ति का चिंतन कर रही है, दूसरे का भी सुन लीजिए महोदय, ऐसा है कि अगर आपने हमको थप्पड़ मार दिया और हमने भी आपको मार दिया, तो फिर हम में आप में फर्क क्या रहेगा? मुद्दे उन्होंने ये कहा कि सपा सरकार यही कर रही थी, इफ्तारी करवा रही थी, तो आप भी तो वही कर रहे हो, आप अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हो, अपने धर्म को, तो हम दोनों सरकारों में फर्क क्या रहा? आप फर्क बताइए ना, तो धर्म जनता की सेवा वही करिए। हम अगर जो 84 कोसी परिक्रमा कराएं तो इसमें आपत्ति है, हम अगर जो राम मंदिर के निर्माण के लिए बात करें तो उसमें आपत्ति है। आपको तो धर्म को बढ़ावा देना, अरे हम अपनी आस्था का भी प्रदर्शन न करें, हम आस्था भी न दिखाएं, आप ऐसी बात करेंगे? अगर जो हम अपनी आस्था का प्रदर्शन नहीं करेंगे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बात करते हैं आप? ये लोग कुछ सुनना चाहे तो कोई कुछ बोले। बताइए सर, क्यों आपको इस उनके फैसले से आपको आपत्ति है इससे? अगर राम राज लाना चाहते हैं कि आपके जो नए जनरेशन आने वाला है वो रामायण और रामचरितमानस इस सबके बारे में ज्ञान, कौन कौन अपने घर में माता पिता की इज्जत लोग नहीं कर रहे हैं, बाहर जाके जो रामायण उसकी इज्जत की बात कर रहे हैं, बातें करेंगे, बाकी कोई विषय नहीं है भाई। कौन कौन नए 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 कौन से बच्चे हैं जो सुबह उठ के अपने माता पिता के पैर छूते हैं? संस्कार वो है, उल्टी सीधी बातें अपने माता पिता के सामने करना, ये संस्कार है? अब रामायण करा देने से और कलमा पढ़वा देने से, ये धर्म को बढ़ावा देने से कुछ होने वाला नहीं है। कट्टरता किसी चीज़ का हल नहीं है। मुस्लिमों के अंदर कट्टरता थी, आज देखो उनका हालत क्या, जितने मुस्लिम देश हैं उनकी हालत क्या है। हिंदुओं के अंदर कट्टरता बढ़ेगी, उनकी भी हालत वही होने वाली है, ये सच्चाई है। लेकिन ये कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि नई दुल्हन सबको अच्छी लगती है। अभी नया नया आया है भाई, हिंदू धर्म को बढ़ाओ, हिंदू धर्म को बढ़ाओ, तो अच्छा लग रहा है। आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं? मैं हिंदू हूँ और ब्राह्मण हूँ। अच्छा, तो सर फिर आपकी इस मुद्दे पे क्यों ना बोलूँ, जो सच्चाई है वो बोलूँगा। सर आप नहीं चाहते हैं कि जो सनातन धर्म का बढ़ावा हो हिंदू राज्य पर? भाई धर्म को बढ़ावा देने से पेट नहीं भरने वाला, पेट भरने के लिए नौकरी चाहिए। लेकिन सर सपा भी तो यही चाहती है कि हमें पिछड़ो जातियों का सम्मान, भाई वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सपा ने भी वही किया हम भी वही कर रहे हैं, तो हमें उनमें फर्क ही क्या है? उन्होंने मुस्लिमों को बढ़ाया, आप हिंदुओं को बढ़ा रहे हो, तो दोनों एक जैसे हुए ना, तो फर्क कहाँ है? आप बता रहे हो कि हम अलग हैं, तो अलग कहाँ हो तो वही ना, वो मुस्लिमों को बढ़ाएं, आप हिंदुओं को बढ़ाओ, तो दोनों वैसे हो गए। तब ये क्यों बोल रहे हो कि हम अलग हैं? अलग नहीं हो आप,
आप भी वैसे ही हो। हम अपना कर्म कर रहे हैं, अगर जो योगी जी अपना कर्म कर रहे हैं, सुनिए सुनिए पंडित जी, योगी जी अपना कर्म कर रहे हैं, और अगर जो सनातन सभ्यता को बढ़ाना इस देश में भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश में यदि सनातन सभ्यता को कोई व्यक्ति आज बढ़ा रहा है तो उसका हम सब स्वागत करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत कर रही है। और आप अगर जो आप हिंदू हैं, आप ब्राह्मण हो करके इस प्रकार की बातें यहाँ पर कहते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में कोई ना कोई वैमनस्यता की भावना है, इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप मैं बता रहा हूँ, आप मुझसे तर्क करिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप हिंदू धर्म के मैं क्या कह रहा हूँ, अगर जो कोई हमारा धर्म भी हो रहा है, हमारा कर्म भी हो रहा है, हम धर्म के अनुसार भी चल रहे हैं, हम कर्म के अनुसार भी चलेंगे। जिस देश में धर्म की हानि होगी उस देश में राजा की स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। धर्म होना चाहिए, और आप धर्म पे आइए। अब आपसे क्या बात कर रहा हूँ मैं, अब आप 90% दबंग क्षत्रिय हैं, कितने क्षत्रियों का घर आपने गिराया? सर आप क्या कह रहे हैं, रामचरितमानस में जो चौपाई से मुद्दा बना हुआ था वो गलत है। अच्छा, वो अधजल गगरी छलकत जाए, उनको ज्ञान नहीं है जी। अच्छा, वो अब मान रहे कि वो गलत है? बिल्कुल गलत है, उनको ज्ञान नहीं है। अरे उन्होंने अगर हिंदी पढ़ा होता तो अनुप्रास अलंकार है जी। उसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अगर उनको यही पता होता तो ढोल गवार शूद्र ताड़ना का मतलब कई हो सकता है ना, देखना भी हो सकता है, पीटना भी हो सकता है, थापी देना भी हो सकता है, समझाना भी हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती हैं। उनको यही नहीं पता कि वो चौपाई शुरू कहाँ से। तो सर आपको फिर क्यों गलत लग रहा है कि योगी जी ने फैसला किया? कोई भी है? सरकार द्वारा कोई भी धार्मिक कार्य कराना मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम उसके वो नहीं कर रहा हूँ। सरकार का काम है अपना सिस्टम बनाओ, लोगों को नौकरी दो, रोजगार दो, वो उनका मेन काम होना चाहिए। धर्म को बढ़ावा देना ये सरकार का काम नहीं है। लेकिन सरकार सिर्फ या तो या ये मुद्दा तो विपक्ष बना रही है। या भी अब आप लोग भी वही दिखाते हो, मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ 4 दिन पहले से माहौल बनाया जाता है, राहुल गांधी यात्रा कर मुद्दा बनते जा रहा है सर। भाई 15 क्यों हो रहा है सर? तो भाई 2 बार बीजेपी की सरकार आ गई, आप उनसे सवाल करिए। लेकिन सवाल पहले भी न्यूज जो एंकर वो होते थे, जो उनके एडिटर होते थे, वो ऐसे आर्टिकल लिखते थे कि सरकारें हिल जाती थी। किसी में हिम्मत हो तो लिख के दिखा दो, कोई नहीं लिख रहा क्योंकि ईडी और उसके छापे आप क्या पड़ जाएंगे। है, वो भी तो सिर्फ धर्म के बारे में ही बात कर, धर्म क्यों लेकर चलती है, उस पर ही राजनीति करती है। ये पॉलिटिक्स है भाई, वो अपना कर रहे हैं, जनता को समझना होगा, हमें समझना होगा। भाई हमें नौकरी नहीं मिल रही तो हमको दिक्कत है। अब जिनको नौकरी मिल गई, जिनका घर भाजपा की वजह से, जिनका घर कांग्रेस सपा की वजह से चल रहा है, वो खुश हैं। उनको वही उनको तो वही चाहिए ना। अब जिसका घर भाजपा की वजह से चल रहा है वो कभी चाहेगा कि भाजपा ना आए, वो तो हमेशा चाहेगा भाजपा आए। जिनका घर सपा की वजह से चलता था वो हमेशा ही चाहेंगे। लेकिन जो आम जनता है जो बोलती नहीं है वो हमेशा चाहेगी कि उनको नौकरी मिले, काम मिले, वो जरूरी है। भ्रष्टाचार खत्म का नाम ले रहे हैं, कहाँ भ्रष्टाचार खत्म है? इतना भ्रष्टाचार हर जगह चल रहा है, कहाँ चल रहा है? जहाँ 10 पहले दिया जाता था वहाँ 20 दिया जा रहा है, क्योंकि अब डिजिटल ज़माना आ गया है। वो कह रहे हैं हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती चोरी करने के लिए, तो 20 देना पड़ता है उसी काम के लिए। तो आपको लगता है कि सर पिछले सरकार से सरकार में ज़्यादा भ्रष्टाचार है? मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ा रहे हो, कुछ चीज़ों में बड़ी अच्छी है ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन चोरी के नए नए आपने नोटबंदी करी, आपने नोटबंदी में कम से कम 1100 आपको नियम चेंज करने पड़े, क्योंकि चोर तो हम ही लोग हैं ना, हम लोग नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दो विपक्ष, खुद एक ब्राह्मण और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो योगी सरकार का फैसला है कहीं ना कहीं ये धर्म को एक बढ़ावा तो नहीं तो एक अलग ही करने का है। और वही उनका कहना है कि वो इन सब मुद्दे से हट के बेरोजगारी, महंगाई और इस पर ध्यान देना चाहिए। तो तमाम जैसे जो लोग हैं उनका साफ तौर कहना है कि कुछ हद तक ये फैसला सही है और कुछ हद तक ये है कि हमारे ये धर्म में परिवर्तन हो सकता है। योगी सरकार को इन मुद्दे से हट के महंगाई, बेरोजगारी, इस मुद्दे पर बात करना चाहिए। आइए और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका क्या इस पे प्रतिक्रिया। आप एक युवा हैं और अभी योगी सरकार का फैसला आया है कि दुर्गा नवरात्रि में दुर्गा सप्तमी और रामायण की पाठ कराया जाए, क्या इस बात को क्या लेकर सोच रहे हैं और क्या कहना है आपका? जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, लेकिन सबसे बड़ा सेकुलरिज्म का ये होता है द कंट्री शुड बी सेकुलर इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग अ जस्टिस द कंट्री वेयर 80% पॉपुलेशन आर हिंदूज द कंट्री कैन नेवर बी अ सेकुलर by the very inception of the population. तो आपको क्या लगता है कि हिंदू धर्म ज्यादा होने से ये सिर्फ हिंदू धर्म को बढ़ावा कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। और जो छोटे जाति के उनके लिए नहीं है, कर रहे जाति की बात नहीं है,
जो जो एंशिएंट लेगेसी है हिंदुज़म की, जो एंशिएंट इंडिया की जो लेगेसी है वो हिंदुओं के वजह से है और किसी और धर्म की वजह से नहीं है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक बात आती है, एक बात होती है कि राजद्रोह और देशद्रोह। अगर आप इस देश में पैदा हुए हैं, आपको इस देश से प्यार है, तो आप देशद्रोह नहीं हैं, लेकिन आप राजद्रोह हैं। क्योंकि जो इंडिया की एंशिएंट लेगेसी है वो हिंदुओं के वजह से है। ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे शुश्रत की फ़ोटो लगी है जस्ट बिकॉज ही वॉज द फादर ऑफ द सर्जरी। ओके, तो इसलिए उसको उनको कंसिडर किया जाता है। जो इंडिया की जो लेगेसी वो हिंदुओं के वजह से है। एंड इवन सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइंड इन द वन ऑफ द जजमेंट दैट हिंदुज़म इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर जो जहाँ पे 42वें संविधान संशोधन से सेकुलर वर्ड को बाय द वेरी बैकडोर उसको एड ऑन किया गया था। 1976 का एक केशव नंदा भारती का केस है, उसमें बोला गया है दैट प्रीएम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, और जहाँ पे सेकुलर को ऐड किया गया है। क्या आपको लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी और इन सब को मुद्दे के साथ साथ हिंदू धर्म के भी मुद्दे को लेकर चलना चाहिए? क्योंकि जो फैसला लिए कहीं ना कहीं हमारे नए जनरेशन के लिए, हम लोग के लिए सही है साबित हो रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जैसे आप देखते जा रही हैं, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, लोग वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ के लोग यहाँ का कल्चर फॉलो कर रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल्स बाहर ही ज़्यादा हैं, इंडिया में कम है। और ये तो बहुत सारे लोगों ने बोला है, जितने भी आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे वहाँ पर जितने भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, सब कहीं ना कहीं हिंदुज़म फॉलो करते हैं। तो आप भी सुना होगा कि विदेशों में भी अब रामायण और दुर्गा सप्तमी का पाठ हो रहा है। वहीं इस बार जब योगी सरकार ने फैसला लिया तो जो विपक्ष है उस पर मुद्दा बना रहे हैं, तो क्या उनको ये रामायण और दुर्गा सप्तमी का पाठ उनका सही नहीं लगता? वो क्या हिंदू धर्म के नहीं है? हिंदू धर्म का क्या है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जो बाकी पार्टीज है जो इस चीज़ को अपोज कर रही है, जो स्टेप लिया है योगी सरकार ने, वो जाहिर सी बात है वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बोला गया था, मनमोहन सिंह ने एक समय पे एक बात कही थी कि जो यहाँ पे देश पे पहले जो रिसोर्सेज हैं, जो पहला आँख है वो मुसलमानों का है, लेकिन सच बात ये है कि इस देश की जो सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी लेते हैं वो मुस्लिम है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में सबसे कम इकोनॉमी में शेयर मुस्लिम्स का है। तो इससे ये चीज़ साफ जाहिर होती है कि जो हिंदू हैं वो सबसे ज़्यादा जो एकाग्रता बना के चीज़ों पर चलते हैं। आप देखिए पीके पिक्चर बन गई, आमिर खान जिंदा है अभी, देखिए आप देखिए इस चीज़ को, है ना, ये पीके पिक्चर बन गई। और बहुत सारी पिक्चर्स हैं जहाँ पे हिंदुज़म को आप किसी भी पिक्चर में बता दीजिए। 1960s के समय पे जब हम लोग के यहाँ, देखिए आप लोग तो अब मीडिया में आ गए तो अब लोगों को चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन सच में आप अगर पीछे जाके देखेंगे तब कोई भी एक्सेस नहीं था मीडिया का। लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो गई, अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं, लोग अपने प्राइवेट मीडिया चैनल्स बना रहे हैं, तो उस पर तो ठीक है, वहाँ पे लोग अब जा रहे हैं और लोग अब नरेटिव एक जो एक बना हुआ था पहले से, परसेप्शन एक चेंज हुआ है, बीजेपी सरकार की वजह से हुआ है और किसी की सरकार की वजह से नहीं हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पे एक खुद एक युवा होकर जो नए जनरेशन के होकर, उन्होंने साफ तौर पर इनका कहना है कि योगी सरकार जो ये फैसला है वो कहीं ना कहीं बहुत सही है, वो हमारे न्यू जनरेशन को बढ़ावा देगा और जो हिंदू धर्म है वो सबको लेकर चलती है, और इसलिए योगी सरकार ने ये फैसला लिए हैं। और जो विपक्ष जो दूसरी तरह जो हमलावर हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते हैं कि हिंदू धर्म आगे बढ़े। तो ऐसे तमाम जो लखनऊ के जो जनता है, जो लखनऊ के जो युवा हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि योगी सरकार का जो फैसला है काफ़ी हद तक ये सही है। कैमरामैन विजय के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी लखनऊ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।